हेलो एलकेजी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर बुक लर्निंग विद लेटर्स। दिस इज़ योर प्री प्राइमर बुक। ओके, ए बी सी, कैन वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट करें? दिस इज़ योर अल्फ़ाबेट रिवीजन। आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं ना पहले, तो कैपिटल लेटर्स तो आप सभी को आते हैं, बस स्मॉल लेटर्स हैं उनका रिवीजन आप मतलब उनको प्रैक्टिस में लेना है आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एप। ओके, सो दिस इज योर ए फॉर कैपिटल ए, दिस इज योर स्मॉल ए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। ओके, नेक्स्ट इज योर कैपिटल बी, स्मॉल बी। कैपिटल बी यहाँ ट्रेस करेंगे, स्मॉल बी यहाँ ट्रेस करेंगे और फिर नीचे आप अच्छे से इसको बनाएंगे। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बलून। सबके पास में है बॉल, है ना, सबके पास एप्पल भी है, आंट सबके घर में आती है धीरे धीरे, एंड एप तो नहीं आते हैं, एप बहुत कम लोगों ने बच्चों ने देखे होंगे। बॉल सबके पास है, बॉक्स होते हैं घर में, बलून्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट सी फॉर कैट, सी फॉर कैन, सी फॉर कोट। कोट सबके पापा के पास होता है, कैन में कोल्ड ड्रिंक आती है, और ये कौन है, म्याऊ करती है ना ये, तो ये कौन है, कैट। सो दिस इज योर कैपिटल सी, दिस इज योर स्मॉल सी। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। नेक्स्ट डी फॉर कैपिटल डी, स्मॉल डी। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉल्फिन। डॉग होगा ना आपके पास में, भाऊ भाऊ करता है ना ऐसे, तो वो कौन होता है, वो डॉग होता है, आपका फ्रेंड होता है ना डॉग। डी फॉर डॉल, डॉल सबके गर्ल्स के सबके पास में होती है ना। डी फॉर डॉल्फिन, आप घूमने गए होंगे तो वहाँ पे आपने वाटर के अंदर स्विमिंग पूल में या फिर और कहीं पर सी में देखी होगी ना डॉल्फिन, वो जंप करती है बहुत ऊपर से हाई जंप करके और फिर नीचे की तरफ आती है ना ऐसे। सो कैपिटल डी आप यहाँ ट्रेस करेंगे और स्मॉल डी आप यहाँ ट्रेस करेंगे और फिर बाद में आपको अच्छे तरीके से इन्हें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ई फॉर एग, ई फॉर ईयर और ई फॉर एलिफेंट। सो कैपिटल ई, स्मॉल ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। एग आप खाते हैं ना, ईयर आपके कितने ईयर्स हैं, टू ईयर्स हैं जिससे आप सुनते हैं। एलिफेंट है, बहुत क्यूट होता है ना एलिफेंट, बहुत बड़ा भी होता है जिसकी बहुत ही लंबी सारी ये ट्रंक है, यहाँ पे सूंड है और ईयर्स है कितने बड़े बड़े, है ना, ये टेल है, ये लेग्स हैं इसके फोर। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्हें बनाना है और अच्छे तरीके से आप इनको यहाँ पे भी वापस से इसे ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। F फॉर फ्लैग, F फॉर फ्रॉग, F फॉर फैन। सो कैपिटल F यहाँ ट्रेस करेंगे, स्मॉल F यहाँ ट्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको इन्हें बिना देखे मतलब बिना ट्रेस के इन्हें अपने हाथ से खुद से हैंड रिटन में इन्हें लिखना है। ओके, सो आज आप यहीं तक ही करेंगे। तो हम जैसे मैंने आपको पहले नोटबुक में भी करवाया है स्मॉल लेटर्स, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप इन्हें अच्छे तरीके से इन्हें बुक में करेंगे और इन्हें आप नोटबुक में भी वापस से लिखेंगे। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।